अमेरिका से आज दो रिपोर्ट आई, एक रिपोर्ट S&P की है जो कि भारत को लेकर है और दूसरी रिपोर्ट मूडीज की है जो कि चीन की इकोनॉमिक हालात को लेकर है। दोनों ही रिपोर्ट में चीन के लिए नेगेटिव खबर है, जहां मूडीज ने चीन की रेटिंग का बैंड बजा दिया, वहीं दूसरी तरफ S&P ने भारत की इकोनॉमी के कसीदे पढ़ दिए और साथ में एक बड़ी भविष्यवाणी भी कर दी जिसका सीधा इम्पैक्ट चीन पर पड़ने वाला है। आखिर क्या कहा है इन दोनों अमेरिकी एजेंसियों ने, चलिए आपको भी बताते हैं। शुरुआत पहले मूडीज से करते हैं। दरअसल दुनिया की नामी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने अपनी रिपोर्ट में चीन की इकोनॉमी के आउटलुक को स्टेबल से नेगेटिव कर दिया है। मूडीज ने चीन को ओवरऑल रेटिंग A1 दी है। मूडीज का मानना है कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में चीन की GDP ग्रोथ 4% रह सकती है, वहीं फाइनेंशियल ईयर 2026 से 2030 तक चीन की GDP ग्रोथ 3.8% तक रह सकती है। मतलब एक तो चीन पहले से ही अपनी गिरती इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर काफी परेशान है, साथ ही उसका रियल एस्टेट सेक्टर भी लगातार डूबता चला जा रहा है जिसके जल्द सुधरने के कोई आसार भी नजर नहीं आते। यानी आप कह सकते हैं कि मूडीज को इस बात का अंदेशा है कि चीन का हिसाब किताब बिगड़ने वाला है। मूडीज का ऐसा अंदेशा कोई हवाबाजी नहीं है, इसके पीछे कुछ कारण भी हैं। जैसे चीन में कोविड के बाद रिकवरी कमजोर रही है, कारण है उपभोक्ता के खर्च करने की क्षमता घट गई है जिससे देश के कारोबारी कॉन्फिडेंस खराब हो गए हैं। इसके अलावा लगातार चीन में हाउसिंग क्राइसिस देखने को मिल रहा है, साथ ही चीन में युवा बेरोजगारी रिकॉर्ड पर है और रही सही कसर वैश्विक मंदी ने पूरी कर दी जिससे चीन में बनने वाले सामान की डिमांड प्रभावित हुई है। इतना ही नहीं, अक्टूबर में बीजिंग ने 1 ट्रिलियन युआन यानी करीबन $137 बिलियन के सॉवरेन बॉन्ड जारी किए और केंद्रीय और स्थानीय सरकारों पर वित्तीय सहायता देने के लिए दबाव डाला। ये वो फैक्टर्स हैं जो बता रहे हैं कि चीन की स्थिति डगमगा रही है। अब ये तो चीन के लिए बुरी खबर है ही, ऊपर से अगर आपके पड़ोसी देश की दुनिया वाहवाही कर रही हो तो ये तो जले पे नमक छिड़कने जैसा हो गया, क्योंकि एशिया में भारत ही है जो धीरे धीरे चीन के लिए चुनौती बनता जा रहा है। S&P की रिपोर्ट के अनुसार साल 2030 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकता है, साथ ही फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में भारत की GDP $7 अरब पर आ सकती है। इसका मतलब है कि अगले कुछ सालों में भारत दुनिया के इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म पर चीन के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाएगा। S&P का मानना है कि भारत के लिए बड़ा अवसर है जिसका लाभ उठाकर भारत खुद को अगला बड़ा ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बना सकता है। S&P की रिपोर्ट बताती है कि मार्च 2024 यानी चालू वित्तीय वर्ष में भारत की GDP की वृद्धि दर 6.4% रहने का अनुमान है, 2026 में इसके 7% पहुंचने की उम्मीद है। वहीं वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.2% की दर से बढ़ी थी। S&P का मानना है कि एक मजबूत लॉजिस्टिक ढांचा तैयार करना भारत के लिए बहुत जरूरी है और इससे भारत एक सर्विस ओरिएंटेड इकोनॉमी से मैन्युफैक्चरिंग डोमिनेंट इकोनॉमी में बदल जाएगा और जाहिर तौर पर इससे चीन के इकोनॉमिक चक्के की रफ्तार धीमी पड़ जाएगी जिससे चीन की परेशानी बढ़ना तय है और भारत का सिक्का ग्लोबल लेवल पर चमकने लगेगा।